गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हो गया है सुबह और हम लोग पी रहे हैं चाय। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। ले लीजिए, आप लोग भी थोड़ा सा चाय पी लीजिए, हम लोग भी थोड़ा पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:30, और मेरे हस्बैंड पी रहे हैं चाय। तो मैं तब तक सब्जी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे हमारे जो किचन गार्डन का साग है उसको बनाएंगे। हमारे जो किचन गार्डन है वहाँ पर अपने से जो उगा हुआ है साग, बिना सार दिए जो ओला साग बनाऊंगी आज मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, वाला साग तोड़ के लाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे जो किचन गार्डन है, किचन गार्डन का साग है ये। ये देखिए, ये वाला साग बहुत टेस्टी लगता है, बहुत स्वाद इसको बना के खाने से। और ये वाला जो साग है ये अपने से निकला हुआ है, इसको हमने नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप लोग के पास पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये वाला साग अपने से निकलता है और ये खाने में बहुत टेस्टी है और इसमें विटामिन भी है। आप लोगों की तरफ अगर ये वाला साग निकला है तो आप लोग भी ज़रूर पका के खाइएगा, ये बहुत टेस्टी है और इसमें विटामिन भी है, क्योंकि इसमें कोई सार वगैरह नहीं दिया जाता है, ये अपने से ही उगता है। और मेरे किचन गार्डन में बहुत हुआ है, हम लोग भी खाते हैं और हमारे पड़ोसी जो है उन लोगों को भी हम लोग दे देते हैं। इसको आप जितना तोड़ के खाइएगा, ये इतना उगता है, उतना ही उगता है और उतना टेस्ट लगता है। तो अब मेरे जो किचन गार्डन और एक ठो है उधर भी है, वहाँ टमाटर भी हुआ था लेकिन टमाटर ख़त्म हो गया है, ये कुछ बचा हुआ है। और यहाँ पर भी बहुत सारा साग हुआ है, तो अभी हम लोग इसमें दूसरा साग भी लगाएंगे, साग सब्जी हरा सब्जी लगाएंगे इसको कोड़ के। तो अभी कोड़े नहीं हैं, बारिश नहीं हुआ है ना, तो मिट्टी थोड़ा सूखा है तो कोड़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो जब बारिश हो जाएगा तब इसको कोड़ के फिर हम लोग हरा साग सब्जी लगाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा कितना कुंदरू हुआ है, बहुत इसमें फल आता है, जितना तोड़िएगा उतना फल आता है। अगर थोड़ा बारिश हो जाए तो इसमें और फल आने लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा फल हुआ है, हम लोग इसको खा खा के मतलब परेशान हो गए हैं, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जितना हम लोग खा रहे उतना हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो एक कुंदरू का बेल लगाए हैं, इसमें कोई सार वगैरह नहीं डाले हैं, बस इसको ऐसे ही कोड़ के लगाए हैं और इसमें इतना सारा मतलब फल आया है। और इसमें हमेशा ही इतना फल आता है, अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो और फल आने लगेगा इसमें। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना फल निकल रहा है यहाँ से। ये वाला देसी कुंदरू है जो गांव सब में होता है, इसको देसी कुंदरू बोलता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत स्वाद लगता है। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना मेरा जो गमला था पूरा भर गया है कुंदरू से, कितना सारा निकला है। तो इसको हम लोग अकेले नहीं खाएंगे, इसको बांट देंगे हम लोग, हमारे जो पड़ोसी हैं उन लोगों को आधा दे देंगे और आधा हम लोग पकाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा जो कैप्सिकम हुआ है, तो एक ठो मैं तोड़ दूंगी और दो ठो रख दूंगी, और उसमें फूल भी और आ रहे हैं कैप्सिकम का फूल। और ये देखिए साग सब इधर भी हुआ है साग, ये चारों। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे जो मुर्गी है बहुत परेशान है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड जो हमारे मुर्गी रहते हैं उनका जो दरवाज़ा है वो ठीक से लग नहीं रहा, इसीलिए उसको काट के बना रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए मैं अभी साग को तोड़ रही हूँ। मैं साग जो ये वाला साग है उसके ऊपर में जो ये फूल निकला हुआ है हम इसको अलग कर देंगे उस फूल को, और खाली जो उसका साग है उसी को बनाएंगे। तो किस तरह से मैं अलग कर रही हूँ देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग की तरफ ए वाला साग है और आप लोग पकाना चाहते हैं तो कैसे इसको पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो उसका फूल है साग का मैं उसको अलग कर दे रही हूँ, और उसका जो खाली साग है मैं उसी को सूप के ऊपर में रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ बहुत सारा कुंदरू हुआ था, तो हम लोग तो इतना नहीं खाएंगे, तो हमारे जो पड़ोसी है हम अपने पड़ोसी को दे दे रहे हैं। अगर आप लोग को भी चाहिए तो ले जाइएगा हम लोग से। तो फ्रेंड्स इतने सारे कुंदरू हम क्या करेंगे, हम कितना खाएंगे, हम लोग रोज़ खा रहे हैं तो हम इसीलिए बांट दे रहे हैं सब। तो फ्रेंड्स आधा में दे दी हूँ और आधा बच गया है, तो इसको भी हम लोग दे देंगे। ये सब भी नहीं रखेंगे, रखने से ये पक जाएगा, तो ये दे देने से कोई होने से पका के तो खाएगा। तो फिर इसको भी मैं दे दे रही हूँ हमारे जो एक पड़ोसी है उनको, और हम आज खाली बनाएंगे साग और भिंडी और साग टमाटर देके मैं बनाऊँगी। तो आप लोग कभी बनाए हैं कि नहीं देखिएगा जब मेरे वीडियो को लास्ट तक, भिंडी और साग को कैसे बनाता है और टमाटर देखिए। तो फिर मैं इसको अच्छे से चुन रही हूँ और उसके बाद इसको धो दूँगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स काटने से पहले इसको धो लेंगे दो तीन बार अच्छे से, जितना इसमें जो गंदगी लगा होगा बालू वालू सब ये धुल जाएगा, उसके बाद में इसको हम लोग काटेंगे। काटने के बाद में साग को नहीं धोना है, धोने से विटामिन चले जाएगा उसका। तो जब भी आप कोई सब्जी वगैरह हो साग हो धो काटने से पहले उसको धोइएगा, उसके बाद में काटिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा तेल गरम हो गया है, तो अभी देखिए भिंडी टमाटर प्याज और मिर्चा देके मैं बनाऊंगी साग। तो तेल गरम हो गया है, इसमें डाल रही हूँ मिर्चा डाली हूँ, अभी मैं डालूंगी इसमें प्याज, और प्याज और मिर्चा को अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स प्याज अच्छे से भुना जाएगा, तो उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें भिंडी। और मैं इधर भात भी बैठाई हूँ और इधर सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे तो खा के जाते हैं, तो इसीलिए मैं दोनों तरफ काम करती हूँ, एक तरफ खाना चढ़ाई हूँ एक तरफ सब्जी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अभी भिंडी डाल दूँगी इसमें, भिंडी प्याज भी मेरा भुना गया है और भिंडी को भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा भिंडी भी भुन गया है, तो अभी मैं इसमें डाल दी हूँ साग। साग को हम डाल देंगे और उसके बाद में इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे अभी टमाटर
और नमक अभी नहीं डालिएगा क्योंकि अभी साग बहुत ज़्यादा दिख रहा है और कढ़ाई में जाने के बाद ये कम हो जाता है साग, तो पहले इसमें नमक नहीं डालिएगा, पहले साग कितना कम हो रहा है उसको देखिएगा, उसके बाद नमक डालिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना नमक इसमें डालना है। और पहले अगर डाल देंगे नमक तो पता ही नहीं चलता है कितना नमक डालना है और ज़्यादा नमक हो जाता है साग में। तो आपको जितना स्वाद चाहिए उतना स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। फिर इसमें हम लोग ढक्कन ढाँक देंगे और ढाँकने के बाद में अभी फिर से मैं उसे देखती हूँ, अभी साग से पानी छोड़ रहा है क्योंकि हम लोग इसमें नमक डाले हैं, तो नमक डालने से पानी निकलता है साग से। तो फ्रेंड्स मेरा साग हो गया है, तो मैं अभी डाल रही हूँ इसमें लहसुन। लहसुन को आप जब भी डालें कूट के डालिएगा, इस तरह से काट के नहीं डालिएगा, काटने से उसका स्वाद नहीं आता है। अब लहसुन को अगर इस तरह से कूट के डालिएगा साग में तो लहसुन का जो स्वाद है वो निकलता है, बहुत टेस्ट लगता है साग में। लहसुन जब तक ना पड़े साग का टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा साग बन के तैयार हो गया है, तो खा के बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा साग। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।